चांद की मिट्टी में खेती करने का एक्सपेरिमेंट हुआ सफल, अब बनेगी चांद पर कॉलोनी, चांद की मिट्टी में उगा पौधा। पूरी दुनिया को कर दिया हैरान, वैज्ञानिकों की टीम खुशी से झूमी। वैज्ञानिकों की खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना, अब चांद पर सजेगा आशियाना। दोस्तों, दशकों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कई असफलताओं के बाद, चांद की मिट्टी पर आखिर वैज्ञानिकों ने पौधा उगा ही दिया है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कई दशकों से वैज्ञानिक चांद की भूमि पर जीवन खोज रहे थे और अब ये साबित हो चुका है कि चांद पर पौधों का जीवन अब पॉसिबल है। नासा के अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर कई मिशन को पूरा करने के बाद जाकर ये सफलता वैज्ञानिकों के हाथ लगी है। लेकिन क्या चांद पर वाकई पौधे आ गए हैं? वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चांद की मिट्टी पर उगाए गए पौधे और कैसे ये सफलता वैज्ञानिकों के हाथ लगी। दोस्तों, वैज्ञानिक चांद पर गए जरूर थे, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो चांद पर पौधा उगाएं और वहां रुककर उसे हम ऑब्जर्व करें। केवल कुछ पलों के लिए ही चांद की सतह पर इंसान रुक सकता है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक अपने अपोलो मिशन के दौरान कुल मिलाकर 382 ग्राम मिट्टी वहां से लेकर आए थे। उसे ल्यूनर सॉयल कहा जाता है। इस मिट्टी के ऊपर अलग अलग लैब में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। इन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक है चांद की मिट्टी पर पौधे उगाना। इसके बारे में एक स्टडी को कम्युनिकेशन बायोलॉजी जर्नल में पब्लिश किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि ल्यूनर सॉयल में पौधा उगाने के लिए पृथ्वी की हवा और पानी का इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ 12 ग्राम मिट्टी को ट्यूब्स में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस 12 ग्राम मिट्टी को अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने नासा से उधार लिया था। इस ल्यूनर सॉयल का साइंटिफिक नाम रेजोलिथ रखा गया और इस चांद की मिट्टी में अरबी डॉप्सिस थिलियाना नाम के प्लांट्स के सीड्स डाले गए थे। ये कफूल का पौधा है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। वैज्ञानिकों को ये पहले से मालूम था कि चांद की मिट्टी में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे और ये पुअर सॉयल है, इस वजह से इसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। दो कंटेनर्स में पौधे लगाए, यानी इस एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट शामिल थे। एक कंटेनर में अर्थ की सॉयल में बीज बोए गए, जो कि एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था, और एक एक्सपेरिमेंट में ल्यूनर सॉयल में बीज बोए गए। वैज्ञानिक भी प्लांट्स की ग्रोथ देखकर हैरान थे। केवल 2 दिनों में ही बहुत छोटी ग्रीन लीफ दिखाई देने लगी थी और 6 दिनों में ही ये ग्रीन लीफ प्रॉपरली विजिबल हो गई थी। लेकिन 6ठे दिन के बाद ल्यूनर सॉयल रेजोलिथ वाले पौधे की ग्रोथ रुक गई। ये ल्यूनर सॉयल पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए कम थे और अर्थ सॉयल वाला पौधा अभी भी ग्रो कर रहा था। ल्यूनर सॉयल वाला पौधा ग्रो तो नहीं हुआ, लेकिन वो सर्वाइव करता और 20 दिनों के बाद उसे हार्वेस्ट कर लिया गया। सैडली ल्यूनर सॉयल वाले पौधे ने उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई जितनी उसके ऊपर कोई फूड ग्रो करने के लिए होनी चाहिए थी। पर फिर भी ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि चांद की सतह पर भी पौधे उगाए जा सकते हैं। ये मून पर फूड ग्रो करने की तरफ पहला कदम था। इस सफलता के बाद नासा ने 2024 में एक प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर उतरने का प्लान बनाया है, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से अब यह मिशन 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इस मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर कदम रखेंगे और वहां से सॉयल सैंपल लेकर आएंगे, ताकि और भी फसलों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और पता लगाया जा सके कि कौन सी फसलें चांद पर उगाई जा सकती हैं। वैसे तो क्वालिटी वाइज चांद की मिट्टी अपनी नेचुरल स्टेट में पृथ्वी की मिट्टी के मुकाबले बहुत खराब क्वालिटी की है, अगर किसी चीज को उगाने की बात की जाए तो। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए चांद की मिट्टी को पौधे उगाने के लिए सूटेबल बनाया जा सकता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर ऐसे और भी मटेरियल हो सकते हैं जो मिट्टी को हेल्दी बनाने में और हेल्दी प्लांट्स लगाने में मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत कंडक्ट किए जाने वाले इस मिशन के लिए ल्यूनर लैंडिंग व्हीकल बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। इस मिशन से पहले एक टेस्ट फ्लाइट को चांद पर भेजा जाएगा, जो 3 हफ्ते के लिए चांद पर रुकेगी और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा, क्योंकि चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और वैज्ञानिकों को लगता है कि यहां ऐसे वाटर आइस क्रेटर्स हो सकते हैं जो रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रॉकेट के लिए अर्थ से फ्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे चांद तक पहुंचने की कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। प्लांट्स और फूड्स को चांद पर उगाने के बाद फ्यूल का भी चांद पर मौजूद होना स्पेसएक्स ऑपरेशन के लिए और मून को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए दूसरा सक्सेसफुल स्टेप होगा। चांद की तरह मार्स को भी लाइफ डिस्कवर करने के लिए एक सही प्लैनेट माना जा रहा है। अभी यहां लिविंग एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि सही इंजीनियरिंग और कंट्रोल लिविंग कंडीशंस के साथ मार्स को इंसान का नया घर बनाया जा सकता है। यहां भी अर्थ से मिलते-जुलते ग्रेविटी है और इसीलिए यहां कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके यहां रहा भी जा सकता है। यहां 1 दिन भी पृथ्वी के 1 दिन से केवल 40 मिनट बड़ा है।
यहाँ का एक दिन भी पृथ्वी के एक दिन से केवल 40 मिनट बड़ा है। एलन मस्क पहले मार्स पर लिविंग कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए रोबोट्स को भेजने वाले हैं, जो वहाँ प्लांट्स ग्रो करने के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल चांद पर या मंगल पर केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ टाइम में यहाँ ह्यूमन कॉलोनीज नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मून या मार्स पर जल्द ही इंसान को कुछ समय के लिए रहने के लिए भेज दिया जाएगा। दोस्तों, नासा के एक्सपेक्टेड प्लान में से एक प्लान ये भी है कि मार्स डोमलाइक लिविंग स्पेस बनाकर वैज्ञानिक वहां रुकेंगे और वहां से चांद पर जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि चांद पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का छठा हिस्सा मात्र है। ग्रेविटी भी एक कारण है कि ल्यूनर सॉयल में पौधा उगाना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल रहा है, क्योंकि चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसीलिए यहां प्लांट्स में पानी डालने पर पानी अजीब तरीके से बिहेव करेगा और बबल्स क्रिएट करेगा। पौधों पर पानी रुक जाएगा और चांद की ऊपरी सतह उसे सोख नहीं पाएगी, जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाएगा। और अगर पानी नहीं डाला गया तो पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए नासा ने ल्यूनर सॉयल में बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल किया और अर्थ की कुछ हवा का इस्तेमाल किया, ताकि पौधे को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन पौधा ऑक्सीजन रिलीज करने और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की प्रोसेस भी कर पाए। इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद वैज्ञानिक ल्यूनर सॉयल पर पौधा लगा पाए। लेकिन दोस्तों, लैब में कई सारी चेंजेस के बाद पौधे लगाना और वाकई में चांद की सतह पर पौधा उगाना, इन दोनों प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। चांद पर जाकर पौधे उगाना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे जनवरी 2022 में चाइना ने यह दावा किया था कि उन्होंने चांद की डार्क साइड पर अपना चैंग E-4 स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाया है। इसमें चांद पर पौधे उगाने का एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहां कॉटन, रैपसीड और पोटैटो सीडलिंग सबके बीच इस चांद E-4 गैनेस्टर के अंदर स्प्रेड हो चुके हैं। चाइना का दावा है कि वो चांद पर पौधे उगाने में सफल हो चुका है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों को चांद के इस दावे पर यकीन नहीं है। 200 वैज्ञानिक अपनी लैब्स में जीरो ग्रेविटी पर पौधे लगाने के एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, ताकि चांद पर फूड ग्रो किया जा सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम इंसान चांद पर खाना उगा पाने में, खेती करने में सक्सेसफुल हो पाए, तो इससे दो चीजें होंगी। पहली ये कि जो प्लान बन रहा है नासा का चांद पर जाकर एक कॉलोनी बसाने का, और उस कॉलोनी को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करने का कि मून को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जा सके मार्स पर जाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की ग्रेविटी काफी स्ट्रांग है और चांद ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। मार्स की ओर से ऐसे में चांद से रॉकेट लॉन्च करना, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना आसान पड़ता है और वहां ईंधन कम लगता है, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। इसलिए वहां पर कॉलोनियां एस्टेब्लिश होनी चाहिए। जब कॉलोनियां वहां बनेंगी तो वहां के लोगों के लिए खाने पीने की चीजों को रोजाना धरती से चांद पर तो नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए अगर चांद की धरती से ही अगर खाना उगाया जा सके तो सारे वैज्ञानिकों के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए और सारे अंतरिक्ष के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो होगी और जो दूसरी कामयाबी की हम बात करें, दूसरी बड़ी उपलब्धि यह होगी कि अगर पेड़ पौधे चांद की सतह पर उगने लगे तो वो तो वहां पर ऑक्सीजन छोड़ने लगेंगे और ऑक्सीजन छोड़ने से चांद को एक एटमॉस्फेयर आने वाले समय में मिल सकता है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में चांद पर प्लांटेशन किया जा सकना पॉसिबल हो पाया तो वहां पर ऑक्सीजन की गैस की जो जरूरत है वो बिल्कुल आसानी से पूरी की जा सकती है। कुछ नहीं तो उसे हार्नेस करके सिलेंडर्स के माध्यम से एस्ट्रोनॉट्स इनहेल्स तो कर सकते हैं, अगर वातावरण में वो पूरी तरीके से फैल नहीं सकी, क्योंकि हम जानते हैं कि मून की ग्रेविटी काफी कम है तो वहां कोई भी गैस टिक नहीं पाएगी, उसका एक वायुमंडल डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अंतरिक्ष की ओर स्कैप कर जाएगा। तो ये दो बड़ी सफलता हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। इतना तो है कि बहुत बड़ी सफलता है, चांद की सतह पर खेती करने की शुरुआत हुई है, तो बहुत बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।